दोस्तों कि आप भी चाह रहे अपने मोबाइल शॉप के लिए काउंटर और रैक बनवाना, जैसे कि आप वीडियो में पीछे देख सकते हैं कि मेरा जो मैंने रैक बनाया अपने शॉप के लिए, ठीक है, अपने शॉप के लिए मैंने रैक बनवाया और काउंटर है जो मेरा, वो कितने रुपए का खर्चा आ गया, कितने रुपए कॉस्टिंग आ गया। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको भी आइडिया हो जाए कि अपने शॉप जो आप अपना शॉप पे मोबाइल का काउंटर जो बनाएंगे, जो पीछे में जैसे रैक है वो बनाएंगे, तो कितने रुपए टोटल कॉस्टिंग आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरा जो है मोबाइल शॉप का जो काउंटर और रैक बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया, सबको टोटल कॉस्टिंग कितने रुपए का आया। तो वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। बस तो दोस्तों ये जो काउंटर और रैक की बात करें तो मैं ये वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों इस तरह का काउंटर और रैक बनाने में जो टोटल कॉस्टिंग आया वो मेरा 70 से 80 हज़ार रुपये तक का कॉस्टिंग आ गया। तो 70 से 80 हज़ार रुपये तक का मेरा लग गया है काउंटर और रैक बनाने में। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप देखने पाएंगे। The souls which we sell in us, the love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the waste, all through the highways, through a shadow, through the sun rays. And तो देखा दोस्तों ये जो काउंटर मैंने बनाया, ये रेक बनाया, ये सब का टोटल 70 से 80 हज़ार रुपया मेरा दोस्तों इसमें जो है फर्नीचर बनाने में, काउंटर एक बनवाने में खर्चा हो गया। तो आप भी इसी तरह से अगर बनवाना चाहते हैं इसी लुक में तो अप्रोक्सीमेटली आपको 70 से 80 हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा, ठीक है। जो काउंटर बनाने में प्लाई लगा उसमें मेरा अप्रोक्स 30 हज़ार रुपये तक खर्चा, 30 से 40 हज़ार रुपये तक खर्चा हुआ है। और सनमाइका जो है रेड कलर व्हाइट कलर का जो मैंने सनमाइका लगाया है उसमें दोस्तों मेरा 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा है। प्लस जो ग्लास जो आप देख रहे हैं, जो ग्लास जो है 8mm 12mm का ग्लास लगा हुआ है, जो कि जो मेरा काउंटर का ग्लास, काउंटर के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो 12mm का ग्लास है, और जो मोबाइल के जो पीछे आप रैक देख रहे हैं वो 8mm का ग्लास है दोस्तों। तो ये सब कुल मिला के खर्चा जो ग्लास का है, जो टोटली कॉस्ट है मेरा 10,000 रुपये तक का ग्लास का लग गया। तो इस हिसाब और 15,000 रुपये जो है वो मेरा काउंटर ये सब बनाने का जो है कारपेंटर ने लिया है दोस्तों, पोस्टिंग जो है 15,000 रुपये पोस्टिंग। तो इस हिसाब से मेरा 85,000 रुपये जो है टोटल पोस्टिंग आ गया, 85,000 रुपये, 80 से 85,000 रुपये लग गया दोस्त। तो आशा करता हूँ ये आपका डाउट क्लियर हो गया है, और आप अपने हिसाब से आपका जो काउंटर है, जो आप अपना रैक बनाना चाहते, काउंटर बनाना चाहते, वो अपने दुकान के हिसाब से, जो आपका दुकान एरिया है आपको बनाना होगा। सब दुकान के एक अलग अलग, अगर आपका बड़ा काउंटर है, बड़ा दुकान है तो आप बड़ा शॉप है अगर आपका, तो आप बड़ा काउंटर बनाइए, अगर आपका छोटा शॉप है तो छोटा शॉप में और कम खर्चे में हो जाएगा। तो आप अपने शॉप के हिसाब से काउंटर बनाएं। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।